खरगोन जिले में कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंस और बिना मास्क के बेखौफ घूम रहे हैं। लिहाजा स्थिति को देखते हुए तहसीलदार आरसी खतेरिया ने मंगलवार को पोस्ट ऑफिस चौराहे पर 100 से अधिक लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए लोगों को जागरूक किया है। सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का उपयोग करें। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर लगातार एक माह की चालानी कार्यवाही के बावजूद भी लोग बीमारी को सरेआम न्योता दे रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। टू व्हीलर पे घूमे, चाहे पैदल घूमे, चाहे फोर व्हीलर पे घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। बिना मास्क के घूमते पाए गए तो 100 रुपये का चालान काटा जाएगा, और संस्थान पे यदि कोई बिना मास्क के पाए गए तो उनके विरुद्ध 500 रुपये का चालान काटा जाता है। हम विगत कई दिनों से ये कार्रवाई लगातार निरंतर कर रहे हैं, पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग की सम्मिलित टीम से किया जा रहा है। मेरा नाम आरसी कटेरिया, तहसीलदार खरगोन। सर, अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मास्क का उपयोग नहीं कर पा। समझाइश दी जा रही है, फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। बार बार समझाइश दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, जागरूकता नहीं आ रही है, और जागरूकता नहीं आने के कारण ही ज्यादा से ज्यादा चालान बनाए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।